चलिए, जैसा कि भैया ग्रुप डी की भी डेट आ गई है और वन रक्षक की भी डेट आ गई है, तो बच्चों की बेहद मांग पर, क्योंकि लगातार आपके बेसिक बैच 7 से 8 चल रहे हैं, तो उसमें ही एक समय निकाल करके रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच आपका रेलवे ग्रुप डी और वन रक्षक के लिए, ठीक है। इन दोनों एग्जामों को देखते हुए, जो इनका लेवल है, जो इनका स्तर है, उसको देखते हुए एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई से। 11 जुलाई अर्थात आज से ही ये बैच स्टार्ट हुआ और इसकी बैच टाइमिंग रहेगी आपकी 1.5 से 2.5, और ये 11 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए ये लगातार बैच आपका मैंने अभी रनिंग में रखा है, जिसमें डेली आपको 30 से 35 प्रश्न रीजनिंग के एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो टॉपिक वाइज भी होंगे, मिक्स होंगे, कुछ कठिन सरल सबका मिक्सअप, मतलब आपका एक रिवीजन भी है। और जो बच्चे रियल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बैच बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब आप कम समय में पूरी चीज को इकट्ठा प्रैक्टिस के साथ ही कर सकते हो, और आपका अगर लक्ष्य भी पेपर लगा हुआ है तो ये बैच आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका जो मैंने एक टाइम टेबल निर्धारित किया है वो ये है कि सोमवार से और गुरुवार तक, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये आपकी प्रैक्टिस होगी रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग का आपको टेस्ट पेपर मिलेगा और रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी बढ़िया तरीके से। उसके बाद अब बचे 2 दिन आपके, शुक्रवार और शनिवार। इस दिन मैंने क्या किया है, इस दिन मैं आपको फुल पेपर कराऊंगा। फुल पेपर का मतलब है कि जैसा आपका पूरा पेपर आता है कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, जो भी आपकी आती है, वो पूरा पेपर आपको मिलेगा, या ओएमआर शीट मिलेगी आपको, उतने ही समय सीमा तक आप हल करिएगा और देखिएगा क्या आपका रिजल्ट उस स्तर तक जा रहा है जो पेपर में चाहिए हमें, ठीक है। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि तैयारी करना, सही तैयारी करना अंतर होता है, एग्जाम देना, सही तरीके से एग्जाम देना, इसमें भी अंतर होता है, सिर्फ आंसर देना और सही आंसर देना, इसमें भी अंतर होता है। तो सिर्फ आपको आंसर नहीं देने, आपको सही आंसर देने, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ सही आंसर नहीं देने, सही समय पर सही आंसर देने, जिनके लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। इसके लिए फीस बहुत नॉर्मल है, बेसिक बैचों की फीस तो ज्यादा रहती है, इसकी फीस मात्र रखी है आपकी 500, मात्र आपकी 500, ये मंथली फीस है, मतलब ये लगभग आपका 30 से 35 दिन का बैच है, ठीक है। टारगेट बैच रहेगा जिसकी फीस मात्र 500 है, जिसमें आपको डेली शीट मिलेगी, बुकलेट मिलेगी आपको, एसटी मिलेगी आपको, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर आपको दिया जाएगा, पूरी तरीके से उसको साल भी कराया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, जो भी मेथड होगा। तो अभी तक अगर आपने विश्वास किया, और मुझे लगता है कि जो बच्चे नौकरी पर लगे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि प्रैक्टिस का कितना फायदा उनको मिला है, वो चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस में हो, रेलवे में, एसएससी में, किसी भी एग्जाम में बच्चे लगे हो, आप उनसे पूछिएगा कि जो प्रैक्टिस कराई गई उसका उनको कितना फायदा मिला। कुछ बच्चे तो कभी हमसे कहते हैं कि सर पेपर हाल में जब बैठे थे, जो सेलेक्ट बच्चे वो ये बात बताते हैं कि सर ऐसा लगा ही नहीं कि पेपर दे रहे हैं, ऐसा लगा कि कोचिंग में ही बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल एग्जाम में भी आ रहे थे जैसे आप प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक बार विश्वास करके देखिएगा, मेहनत करके देखिएगा, पूरा आपका सहयोग करूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो कल से आ सकते हैं 1.5 से 2.5। धन्यवाद।